अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का हमारा प्रोग्राम अगेन प्रेसिडेंशियल जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए हैं पूरे हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर, उनके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और आपको मालूम है कि जरदारी साहब की सदारत का जो पहला जो टारगेट है वो यही है कि जो पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस की जो कमी नज़र आ रही थी उसको बहाल किया जाए और ख़ासतौर पर इकॉनमी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वॉर ऑन टेरर, ये इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जाए और इफेक्टिवली टैकल किया जाए। आज भी जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ लोगों से, दफ्तर खारजा के साथ भी उनकी ब्रीफिंग हुई है और इसके अलावा वो मुख्तलिफ दूसरे वफूद से भी गुफ्तगू कर रहे हैं और कराची में भी उनके जाने का प्रोग्राम है और ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन तमाम उमूर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस प्रेसिडेंसी का और क्या टारगेट्स होंगे, क्या तरजीहात होंगी, इनका आज हम तजिया करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा रिच पैनल मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली भी हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में वजीर भी बन जाए, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं हनीफ अब्बासी साहब, अगेन फायर ब्रांड स्पीकर फ्रॉम रावलपिंडी और मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ मुतालिक हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं पिल डैट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। सब लोगों का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक नया सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट जो पिछले चंद माह से हम देख रहे हैं कि 257 दिन के अंदर अंदर मोहतरमा की शहादत के बाद अगर देखा जाए तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के मोहतरमा की शहादत और उनकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ नज़र आती है कि प्रेसिडेंट भी पीपल्स पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का, वज़ीर आला भी और मुख्तलिफ जगहों पर कोलिशन गवर्नमेंट्स भी, कोई रोकने वाला नहीं है। जो इस्टेब्लिशमेंट का एक ज़माने में हम देखा करते थे कि राग लापा जाता है, अब इस्टेब्लिशमेंट आप खुद हैं, अब भी अगर डिलीवर नहीं होगा तो मसाइल जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट होंगे। आप समझती हैं कि जरदारी साहब के सदर बनने के बाद अब कोई लेक्यूना बाकी नहीं रहा डिलीवर करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खजाना साहब, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि ये जो भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अचीव किया इसके पीछे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की एफर्ट्स, जदोजहद और कुर्बानियाँ शामिल हैं। आज पीपल्स पार्टी अगर ऐवान सदर में है या प्राइम मिनिस्टर हाउस में या ओवरऑल पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत है तो ये मोहतरमा की मेहरून मिन्नत है, इसमें तो कोई 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप ये समझ रहे हैं कि हर चीज़ जो है आपके ऑफिस होल्ड करने से स्मूथ लाइन हो गई है और रास्ते की कोई रुकावट नहीं रही है और स्मूथ सेलिंग होगी, तो इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ़ करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें आपने उन ऑफिसेस तक रसाई तो ली लेकिन उन ऑफिसेस पे आपकी कमांड कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशंस उसके लिए थोड़ा सा अभी अनदर फ्यू मंथ्स हमें लगेंगे, क्योंकि वो जो पॉलिसी शिफ्टिंग है, जो एक सोच और एक नज़रियाती शिफ्टिंग है, और जैसा आपने ज़िक्र किया कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो पिछले कई दहाइयों से नज़र आ रहा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जंग हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही, तो इस दफ़ा बहुत बड़ी एक जो मेजर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि पाकिस्तान की अवाम जो थे उनका मैंडेट एंटी एस्टेब्लिशमेंट गया और वो जो कोलिशन पार्टनर्स हमारे साथ आए, गर्चे के वो बाद में हमारी अलहदगी हुई है लेकिन स्टिल वो परसेप्शन एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो अब कमज़ोर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पब्लिक सपोर्ट के साथ आने वाली, जो पॉलिटिकल मैंडेट के साथ आने वाली गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ के आगे उस तरह से खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन आई एम श्योर के हमें एक जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हुई है इन पाकिस्तानी अवाम के लिए, एक गुडविल जेस्चर एक्सटेंड करने के लिए कि हमने वो सब कुछ यकीनन अगर हमने ना किया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस सोच से गद्दारी होगी। उनकी सोच से गद्दारी होगी लेकिन साथ साथ ये भी हम देखते आ रहे हैं कि हम लोग प्रायोरिटाइजेशन नहीं किया करते हैं। हम जब भी कभी कोई मसाइल का सामना आता है तो हम लोग देखते हैं कि जो इसका होमवर्क किया हुआ होना चाहिए वो नहीं करते हैं हम लोग। इस वक्त गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ होंगी वो क्या, उस हवाले से हम लोग कह सकते हैं कि आपने होमवर्क कर लिया हुआ है और आर यू रेडी टू गो फॉर इट? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 11 साल के बाद हुकूमत मिली है, तो वो जो पिछली दो हुकूमतों के तल तजर्बे थे वो अपोजिशन के अंदर
यकीनन रियलाइजेशन के बाद उन मसाइल को प्रायोरिटी दी गई है कि वो कौन कौन सियासी रीजंस और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपने एजेंडे को पाया तकमील तक ना ले जा सकी, और उनसे सबक सीखते हुए इस दफ़ा जो प्लान और इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रॉपर मैं कहूँगी कि एक टास्क फोर्स कह लें या एक कमेटी कह लें या एक विजनरी टीम कह लें, वो इवॉल्व हुई है। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच जो है वो पाकिस्तान के अवाम के सेंटिमेंट के साथ जुड़ेगी, और उसमें अगर हमें पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का तदारक करना है तो हमें ये जो विरासती मसाइल हैं इनसे अब इमीजिएटली निकलने की स्ट्रेटजी बनानी है। और आसिफ अली जरदारी साहब की शक्ल में ऐवान सदर तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाईएस्ट मैंडेट हमने अचीव किया है, तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन के उन मुहतमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख्वाबों को रियलिटी में तब्दील करेंगे। लेकिन भाई साहब एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें कहा जाता है कि जो सदर है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल सी पोस्ट है, फिगर हेड होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होने जा रहा है। और सदर मुशर्रफ साहब के बाद प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी खासे मजबूत सिविलियन प्रेसिडेंट होंगे, और उनके पास ना सिर्फ पार्टी का भी ओहदा है अभी तक है, उनके पास न्यूक्लियर बटन भी है, उनके पास बाकी चीज़ें भी हैं, सर्विस चीज़ भी है, और ख़ासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी अभी तक वहीं पर है, अभी वो गई नहीं है। तो ये सब चीज़ों के बावजूद आप क्या समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट जो है उसके साथ आप PMLN अपोजिशन में रहते हुए कैसे वर्क करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक पाकिस्तान में जमहूरियत का जो एक सफ़र है वो मुकम्मल हुआ है, अपनी मंजिल तक पहुँचा है। और आसिफ अली जरदारी साहब को चारों सूबों ने, मरकज़ ने भारी अक्सरियत से ऐवान सदर में पहुँचाया है, ये बहुत खुशाइन बात है। और इसके लिए बड़ी जदोजहद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और तमाम दूसरी जो पोलिटिकल फोर्सेज हैं उन्होंने। और उसके बाद अब ये देखना है कि ये जो अहदा है इसको 1973 का आइन जो खुद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का बनाया हुआ था, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो स्टांस है कि उसको अपनी असल हालत में जो है उसको हमने बहाल करना है, तो उसमें तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ना 58(2)(b) है और ना ही सर्विसेज चीफ वाला मामला है और ना ही इसमें आपकी वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये चीज़ें नहीं हैं। और इसका बारहा आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो एतराफ़ कर चुके हैं और कह चुके हैं, अदा कर चुके हैं कि मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्लियामेंट को दे दूंगा और वज़ीर आज़म को दे दूंगा, क्योंकि हमारा एक पार्लिमानी निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत है, जिसमें वज़ीर आज़म जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, और इसी के लिए सारी जदोजहद की गई। कल बहुत सारी चीज़ों की, एक्चुअली मैं तो एक समझता था कि ये कल का दिन आसिफ अली जरदारी साहब का दिन था, और उसमें एक ऐसे शख्स को साथ ला कर बिठाना जो शख्स मैं समझता हूँ इस वक्त जिस तरीके से हमारे वजूद को ही तस्लीम नहीं कर रहा, और जो अपने वज़रा के ज़रिए दुनिया में जाकर ये मैसेज देता है कि पाकिस्तान के कबायली इलाके जो हैं वो दहशतगर्दी का मरकज़ हैं, अलकायदा का मरकज़ हैं, और यही सारा कुछ है, अपनी नाकामियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर थोप रहा है, और मैं नहीं समझता कि इस खुशी के मौके के ऊपर उसको यहाँ पर होना चाहिए था। ये दिन ऐसा दिन था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़्यादत को, यानी मौसूफ़ आसिफ अली जरदारी साहब को, पूरी कौम को एक मैसेज देना था कि वो जो रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारी सॉवरेंटी, जो हमारा नज़रिया, जिसके बारे में हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरा ख्याल है उसमें डिस्कस होती हैं, और एक मैसेज कौम को जाता कि हम एक मजबूत शख्स के साथ खड़े हैं और हमारे आने वाले दिन जो हैं उनमें हमारे मसाइल जो हैं वो। मैं इसे डॉक्टर साहब का रिस्पॉन्स लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बिलाल साहब से ज़रा बात कर लूँ। बिलाल साहब, स्ट्रॉन्ग प्रेजिडेंट इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियलिस्टिक तो हम अगर हों तो फिर तो यही कहा जाता है जी कि फिगर हेड होना चाहिए, सेरेमोनियल सी पोस्ट है, उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव और स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन रियल पॉलिटिक में अगर आप जाके देखें तो हमारे यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग प्रेजिडेंट होता है तो उसका कई दफ़ा फ़ायदा भी होता है। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? देखिए, फ़ायदा तो कई चीज़ों में इत्तफाकात से हो जाता है, लेकिन असूल की बात जो है वो तो उसके ऊपर गौर करना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसमें से भी फ़ायदा निकल सकता है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई इनहेरेंटली एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट में फ़ायदा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ किसी एक जगह पे भी उसका मुर्तकिज़ हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए।
چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے, ڈیلیگیٹ کریں آپ. یہ جمہوریت کی روح ہے. کسی ایک جگہ اگر مرتکز ہو جائے گی تو وہ کوئی سیکیورٹی نہیں دیتا, اس کو بھی نہیں دیتا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب پاورز ایک جگہ کنسنٹریٹ ہوئی ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ ولنریبل ہوا ہے, وہ کچھ زیادہ سیکیور نہیں ہوا. تو عرض یہ ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی ایسنس کے مطابق تو پریزیڈنٹ کو واقعی پاورفل پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, پاور پرائم منسٹر کے پاس ہونی چاہیے, اسی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اپنی کابینہ کے ساتھ. لیکن یہ باتیں تو تھیوریٹیکل ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہی ہے. لیکن اس کا ایک پہلو بڑا اہم ہے, عرض یہ کہ اگر زرداری صاحب صدر نہ بھی ہوتے اور اسی پوزیشن میں رہتے جس میں وہ پہلے تھے جیسے پارٹی کے چیئرمین تھے, تو دیکھیے ان کا جو سورس آف اسٹرینتھ ہے وہ پریزیڈنسی نہیں ہے. ان کی مین سورس آف اسٹرینتھ بھٹو لیگسی کا ایک وارث ہونا ہے پہلے, اور پھر پارٹی کا چیئرپرسن ہونا ہے. اور یہ ان کو اسٹرینتھ پہلے بھی دے رہی تھی اور آئندہ بھی ان کا میجر سورس آف اسٹرینتھ یہی ہوگا. تو پریزیڈنسی جو ہے وہ ایک اضافی چیز ہے. وہ اگر فار ایگزامپل 58(2)(b) بھی چھوڑ دیں اور دوسری پاور بھی واپس کر دیں تو ان کا پرائم منسٹر کے اوپر انفلوئنس کم نہیں ہوگا, لہٰذا وہ پاورفل بہرحال رہیں گے. 58(2)(b) بھی تو آج کل میرے خیال ہے اس سینریو میں تو اتنی ریلیونٹ بھی اب نہیں, ریلیونٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا پرائم منسٹر اپنا ہے تو وہ اپنے کے خلاف تو اس لیے یہ, لیکن یہ اصولی طور پر بات درست ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس کو کیا, آج زرداری صاحب ہیں کل کو کوئی دوسرا پریزیڈنٹ ہوگا. ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ زرداری صاحب 58(2)(b) سرنڈر کر دیں یا کم از کم نیشنل سیکیورٹی کونسل, نہیں اس کی ایکسپیکٹیشن زیادہ نہیں تھی, اس لیے کہ ان کے بیانات میں بتدریج کوئی ایمفیسس کم ہو گیا تھا. شروع میں ان کا بہت کلیئر ایک ایمفیسس تھا کہ یہ میں خود واپس کر دوں گا, پارلیمنٹ کو مانگنا نہیں پڑے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ جس دن پہلی پریس کانفرنس ہے آفٹر پریزیڈنسی اوتھ ٹیکنگ کے بعد, انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ یہ مانگے گی تو, یعنی بڑا ایمفیسس چینج ہو گیا ہے. ٹھیک, اس لیے پارلیمنٹ میں اونس ڈال دیا انہوں نے. کارزئی صاحب کا وہاں پہ ہونا واز اٹ اے نان سٹارٹر؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو بہت ایک اچھا اچھی انٹینشن کے ساتھ کام کیا تھا کہ ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ جس کے ساتھ تعلقات مدتوں سے کشیدہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک گڈ ویل کریٹ ہوگی, وہ آئیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرزئی صاحب نے ریسیپروکیٹ نہیں کیا, انہوں نے اس موقع کو زرداری صاحب کے لیے ایک لائبلٹی بنا دیا. انہوں نے جو باتیں کہیں جس انداز میں کہیں وہ اس ہاسپٹیلٹی کا جواب نہیں تھا جس انداز میں زرداری صاحب نے انہیں بلایا. لہٰذا میں زرداری صاحب کے سیکشن کی تو تحسین کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے, کرزئی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ شاید اس اسپیشل کنسیڈریشن کے غالباً ریزرو نہیں کرتے, ریزرو نہیں کرتے تھے. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ غالباً پریس کانفرنس کرنا probably was not a very good idea. ان کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرنا وہ شاید, ان کو آپ نے آنر دے دیا, ان کو بلا لیا, وہ آ گئے, ان کو پروٹوکال دے دیا. اب پریس کانفرنس کرنا شاید ایک ایکسٹرا چیز تھی جس کو نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کرزئی صاحب کے بارے میں آپ سے ریسپانس لینا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کل پریزیڈنٹ صاحب نے اوتھ لیا اور اٹ واز دا ہسٹورک ڈے فار آل آف اس, ایکچولی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ہم شام کو دیکھتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں 31% اضافہ ہو گیا, یہ کوئی کوئنسیڈنس تھا یا پری پلانڈ تھا پہلے سے کچھ؟ کسانا صاحب, اس آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں دو باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتی ہوں. ایک تو یہ کہ ہماری, ہم کیوں اتنے بے صبرے ہیں کہ ہم ہر چیز کو اسی وقت اس کا ریوارڈ اور اس کے ایک تھم سے ہمیں سب کچھ چاہیے ہوتا ہے, اور اگر وہ ہمارے ڈیزائرز کے اکارڈنگلی نہیں تو ہم ایک دم سے اس پہ اپنے تبصرے اور اپنی کمنٹس جو ہیں وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کل پہلا دن ہے ایک پریزیڈنٹ پاکستان کی ڈکٹوریل جو دور تھا اس سے ایک جمہوری دور میں ایک پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ نے اوتھ لیا ہے, تو وہ تمام چیزیں جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جو 1973 کے آئین کو اس کی اصل روح کے ساتھ بحال کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین کی بحالی کی جنگ لڑی اور اس پہ ابسولوٹلی کنوینس ہیں کہ 1973 کا جو آئین ہے اس کو اصلی حالت میں بحال ہونا چاہیے, اور اس کے لیے 17th امینڈمنٹ ہے, 58(2)(b) ہے اور دیگر جو اس آئین کے ساتھ چھیڑ خانی ہوئی کہ 32 کے قریب آرٹیکلز جو تھے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے آئین کے اندر نے ڈالے اور اس کے اندر سیکیورٹی کونسل کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو کہ امینڈمنٹس آنے والے دنوں میں کرنی ہے,
ये पार्लियामेंट ने करनी है, और पार्लियामेंट के साथ अपोजिशन ने हमारी अलाइज पार्टीज जो उसके खिलाफ है उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये सब करनी है। लेकिन उसको कल ये तवक्को करना कि प्रेसिडेंट ओथ लेते ही सारा कुछ वहां सरेंडर करके, तो ये कौम एक्सपेक्ट कर रही थी, कौम एक्सपेक्ट, कौम की एक्सपेक्टेशन हमने बनानी है, कौम को हमने कन्विंस करना है। जो लीडरशिप है वो कौम की मेंटालिटी को सेट करती है, और अगर लीडर वो है कि जिसको कौम फॉलो करे, जो कौम की एक्सपेक्टेशन को फॉलो करने चल पड़े वो लीडरशिप नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि आपने जो बात करजई साहब के हवाले से कही, ये यकीनन जो हमारा एक वन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि स्टेबल अफगानिस्तान इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर स्टेबल पाकिस्तान। अगर अफगानिस्तान के अंदर अनरेस्ट रहता है, अगर अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मार धाड़ जारी रहती है, तो उसके असरात पाकिस्तान पे जाहिर भी होंगे, वाजिया भी होंगे। और यही वो पॉलिसी थी जो सबका हुकूमत करती रही कि अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करके पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने का जो कोशिश थी वो नाकाम हुई। तो कल उनको बुलाने का मकसद वन पॉइंट एजेंडा था कि हम अफगान पीपल और अफगान गवर्नमेंट को ये मैसेज दें कि जो पाकिस्तान ने उनको अफगान महाजरीन को इस मुल्क में पाला, उनको जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि उनको बुलाने में तो कोई किसी ने इतराज नहीं किया, लेकिन उनके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो था उसमें एक आप अब वो चीज खत्म हो गई है कि डेफिनेटली उसके अंदर कुछ फॉरेन ऑफिस की इनपुट होगी और फॉरेन ऑफिस की तरफ से कुछ ऐसी हिडन किस्म के इंटरेस्ट और बेनिफिट्स होंगे नेशनल इंटरेस्ट में, जिसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट साहब के साथ बिठाया गया, और उसके दूरस्थ नतायज मुरतब भी होंगे कि आप वो जो एक अदम एतमाद की फजा थी, एक बद एतमादी चल रही थी, जो एक दूसरे पे ब्लेम पॉलिटिक्स हो रही थी, उससे निकल के हम एक डिफरेंट ये हम अपनी अपनी आइडेंटिटी और अपनी सर्वाइवल के लिए हम ठीक है। बिजली का ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा जो आप इसमें बिजली के रेट्स में इजाफे की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा कि जितनी हमारी आईपीपीज हैं, हमारी ज्यादातर पावर जनरेशन जो है ये थ्रू क्रूड ऑयल है, थर्मल है। अब जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं और जो थर्मल यूनिट्स हैं उन्होंने भी नहीं अब हुई है ना, आप देखें कुछ डिसीजन होते हैं जो एज ए स्टेट आप ले रहे होते हैं, कुछ डिसीजन होते हैं जो आप एज ए गवर्नमेंट ले रहे होते हैं। जब स्टेट के जो डिसीजन है आपने वो जो बाइंडिंग्स है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको ऑन करना होता है, और चूंकि ये उसी का हिस्सा है कि थर्मल पावर जनरेशन में जो अप्स डाउन्स आई प्राइस ऑयल की वजह से उनके ओवरहेड्स बड़े कंपनीज के, तो वो अपनी 100% जनरेशन नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस। लेकिन क्वेश्चन मेरा जो है वो भी स्टिल देयर, क्योंकि मुझे कल की समझ नहीं है कि कल को इंसिडेंस क्यों था। जरदारी साहब ने हल्फ उठाया था और उसी दिन ये अनाउंसमेंट सामने आई है, और इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त नाजरीन आन पहुंचा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कराची चला जाए और एमक्यूएम का भी इस हवाले से रिस्पॉन्स लिया जाए कि वो इस पूरे सिनेरियो में अपनी पोजिशन कैसे बेहतर बना सकते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक, सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो की, स्पेशली आफ्टर मैथ जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ चलते हैं एमक्यूएम के लीडर हैदर अब्बास रिज़वी साहब से बात करने के लिए कराची, और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। रिज़वी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रिज़वी साहब, एमक्यूएम इस वक्त जो है वो बैक इन द सैडल कहा जा सकता है कि वो आ गई है, और जो नई सुन रहे हैं जो मिनिस्ट्रीज आ रही हैं उसमें भी आपके मिनिस्टर्स होंगे, और सूबे में भी, सूबे सिंध में भी आपकी कोई रीशफल वगैरह सामने आने वाला है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? किसाना साहब, अभी तक तो जितनी भी खबरें हमने मीडिया पर देखी हैं वो जराए के हवाले से हैं, और जो जराए हैं हमें उसका अंदाजा नहीं है कि वो कौन है। ये पता नहीं, मतलब मुल्क की हसास एजेंसीज में से कोई एक है या उनसे भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है, क्योंकि हमें हमारे बारे में इतना पता नहीं होता जितना इन जराए को पता होता है। अब ये जराए कौन है अल्लाह बेहतर जानता है,
क्योंकि हमारी तरफ तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो आप जो हमारे जराए तो आप हैं, आप हमें बता दीजिए कि क्या सिचुएशन है फेडरल गवर्नमेंट में, आप आ रहे हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज आपको मिलने जा रही हैं, कुछ इस तरह के इंकलिंग ऑफ एनी आइडिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि देखिए बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि जो हुकूमत साज जमातें होती हैं वही अपने हलीफ चुनती हैं, और जहां तक उसमें एमक्यूएम का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को सिंध में कोएलिशन गवर्नमेंट के लिए ऑफर किया था और एमक्यूएम ने उसको एक्सेप्ट भी किया और अब एमक्यूएम की मिनिस्ट्रीज हैं सिंध में, मगर वफाक की सतह पर अभी तक ऐसी कोई सूरत हल नहीं है, ना हमें ऐसी कोई बाकायदा ऑफिशियल कोई दावत मौसूल हुई है, ना ऐसी कोई बात सामने आई है। तो जब तक ऐसी कोई सिचुएशन ना हो उस पर कोई भी बात करना जो है मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ कबलज वक्त है बल्कि उसको यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि उस पर तो अभी बात करना ही सिरे से दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि जरदारी साहब के इलेक्शन के बाद आप क्या सोचते हैं कि हमारे जो मुल्क में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन ने क्विट किया है फेडरेशन के लेवल पर और वो ओपोजिशन में आ गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब के आने के बाद फेडरेशन टू प्रोविंस जो एक रिलेशनशिप है सूबों का फेडरेशन के साथ वो बेहतर होगा या उसमें कुछ थोड़ा सा मसाइल आएंगे, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? किसाना साहब चार सूबों में से अगर देखा जाए तो तीन सूबों में तो जरदारी साहब को जो इलेक्ट्रल कॉलेज है उनका वहां पर तो उनको क्लियर कट मेजोरिटी मिली और सिंध में तो कोई एक भी वोट उनके खिलाफ नहीं गया है। पंजाब की सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है कि वहां पर जरदारी साहब को जो वोट पड़े हैं वो भी मेरे ख्याल से 40% के करीब या 38% के करीब है वहां पर। तो पाकिस्तान के चारों सूबों में उनकी पोजीशन तो मुस्तहकम है, मगर मुस्लिम लीग एन के साथ जो रिलेशंस बनते हैं पंजाब में वो आगे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा दोनों जमातों की तामुल मिजाजी और बुर्दबारी और संजीदगी के ऊपर कि किस कदर वो बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि असल इम्तहान दोनों जमातों का पंजाब में ही है, क्योंकि वहां पर तकरीबन बराबरी बराबरी का मुकाबला है और अगर वहां पर पीएमएलएन का मैंडेट ज्यादा है तो उसको अगर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की जाती या कोई ऐसी सूरत हाल पीएमएलएन क्रिएट नहीं करती कि वो वफाक में कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट करें जिससे ये कशीदगी और तनाव की सूरत हाल पैदा हो, तो मुल्क फिर स्मूथ सेलिंग की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपने देखा है कि गुज़िश्ता 1.5 वर्षों में जो एक बेयकीनी की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में मौजूद रही है उसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट, लेकिन रिजी साहब इकोनॉमी पर इम्पैक्ट तो आया है लेकिन एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है वो ये है जो आपने जिक्र भी किया कि पंजाब में जो कि सबसे बड़ा सूबा है उसमें सूरत हाल वो नहीं रही जो कि तीन सूबों में रही है, तो इससे एक तो चीज वाजे हुई कि बड़ा सूबा जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि प्रेजिडेंट साहब के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो ये जो एक शिज्म पैदा हुआ है उसको वो खत्म करें और ये जो कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कमी आई है सूबे के साथ वो ऑन बोर्ड आ सके और सूबे तमाम जो हैं वो उनके साथ बैक करें और उनको साथ सपोर्ट कर सकें? देखिए इसमें अजीब व गरीब सूरत हाल ये है किसाना साहब के पंजाब की अपनी एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स है और दीगर तमाम सूबों की अपनी अलग-अलग पॉलिटिकल डायनेमिक्स है और पंजाब जाहिर है कि उसकी अपनी एक अलग पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शंस हुए थे 18 फरवरी को तो पीएमएलएन की भी कोई बहुत ज्यादा क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी पंजाब में, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है मुस्लिम लीग एन के साथ, मुस्लिम लीग एन जो है वहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई है। अगर सूरत हाल कोई थोड़ी सी भी टिल्ट होती है तो एक बार फिर ऐसा लगेगा कि जैसे जहां ताकत का तवाजुन होगा वहां लोग चले जाएंगे, मगर जमहूरियत के लिए बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब जबकि मैंडेट वहां पर पीएमएलएन के साथ है, हमारी उम्मीद यही है कि दोनों सियासी जमातें जो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की वो बुर्दबारी का मुजाहरा करेंगी, समझदारी का मुजाहरा करेंगी और कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट नहीं करेंगी जो दोनों फरीकैन के लिए सब्र आजमा हो या कोई ऐसी सूरत हाल हो कि दोनों किसी इम्तिहान में आ जाएं, ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और अल्लाह करे कि जो आप फोर्सी कर रहे हैं या आपकी ख्वाहिश है वो ऐसे ही हो और एमक्यूएम भी अपने हवाले से जो पॉलिसी तरतीब दे वो ऐसी दे कि जो फेडरेशन और सूबों के लिए बेहतरीन साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच रिजवी साहब। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद रिजवी साहब एमक्यूएम के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अबासी साहब एक चीज़ जो मैं उनसे भी पूछ रहा था मैं उस पर आपके कॉमेंट चाहूँगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक सीनैरियो है, तीन सूबे एक तरफ गए हैं, एक सूबा एक तरफ गया है
और प्रेसिडेंट जो होता है वो फेडरेशन ज़ाहिर है कि चारों सूबों के लिए वो एक अच्छा मैं इसको इस तरह नहीं लूँगा कि शायद सूबा पंजाब ने अपना आसिफ अली ज़रदारी साहब पर एतमाद का इजहार नहीं किया। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर अक्सरियत थी, 177 हमारे पास वोट हैं और 186 हमें चाहिए वहाँ पर अपनी हुकूमत को स्टेबल रखने के लिए। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि 107 वोट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में जो 123 हुए, और फिर कोई इतना बड़ा जब वो एवरेज निकाली गई तो मेरा ख्याल है 35 वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 33 या 35 और इसी तरीके से कोई 22 या 24 जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इसको पंजाब को अलहदा इस सिनेरियो में गिनना शुरू कर दें। जहाँ तक बात आपने पहले की है कि जो हैदराबाद रिजवी साहब ने बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की है, और मैं आजकल एमक्यूएम के क़यादत पे ये हैरान होना शुरू हो रहा हूँ ख़ास तौर पे कि बड़ी बैलेंस गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने हुकूमत में रहना है और हुकूमत में जो भी हुकूमत आए, मतलब कि अगर वो परवेज़ मुशर्रफ़ की हुकूमत हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, उनकी अपनी एक सियासत है, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर कल तक मौसूफ़ा असफंद यार वली साहब मसलहत और बगैरती में थोड़ा सा फ़र्क कहते थे तो वो उनका अब है कि वो फ़र्क निकल गया है या वैसे के वैसे मौजूद है या कोई और गुफ्तगू इस तरीके से करता था। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो स्टांस है वो ये है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को मरकज़ में मानते, पहले दिन से मानते, और आज भी खलूस नीयत के साथ पूरे मीडिया पर बैठ के मैं भी एक कारकुन की हैसियत से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब आसिफ अली ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म हाउस जाकर ये मुबारकबाद दी तो खलूस नीयत के साथ दी। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम मरकज में बैठकर किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई खराबी पैदा करें या उसको अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलें, क्योंकि मुल्क इस वक्त इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ उन अनासर के ऊपर नज़र रखनी होगी जिन्होंने बहुत सारी पार्टीज में जाके, हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी उसके दौरे हुकूमत में जब आपने नॉन पॉलिटिकल जो लोग थे पर्सन थे उनको प्रमोट किया तो उन्होंने फिर खराबियाँ पैदा की, और फिर वही लोग अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैठकर अगर अपने ओहदे का अपने मनसब का ख्याल ना रखते हुए, अब एक गवर्नर का जो एक मनसब है वो मनसब जो है वो किसी पार्टी का हेड नहीं, वो किसी पार्टी की फेवर के लिए नहीं बैठेगा, गवर्नर का अपना एक मनसब होता है और उसमें गैर जानबदार रहना बुनियादी उसकी हैसियत होती है, और वहाँ पर बैठ कर अगर वो ये साजिश या किसी तरीके से करके दोनों पार्टियों को कर दिया नहीं, मेरा ख्याल है वो मना हुए होते तो आज फ्रेश डेवलपमेंट का आपको शायद इलम नहीं है कि आज उन्होंने उस लीग के साथ जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कातिल लीग कहती थी उनके, और जिसके बारे में शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त ये लिखा और उस हुकूमतों को भी और बहुत सारी कुव्वतों को भी कि फ़लाँ फ़लाँ लोग मेरे कत्ल में शायद शामिल हो सकते हैं, उन लोगों के साथ गवर्नर पंजाब ने मुलाकात की है यानी चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के साथ। अब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले कह रहा था कि हर अमल का रद्द अमल होता है, और अल्लाह ना करे यानी मैं अपने दिल से कहता हूँ कि इस मुल्क में ऐसी सियासत जो है वो परवान चढ़े। एक बात जो अभी पिछले क्वेश्चन में रह गई थी उसका मैं जाहिर जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए हमारी सॉवरेंटी जो है वो खतरे में है, हमें करजई साहब के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और ये वही करजई साहब हैं जिनको हमने यहाँ 10 साल तक पाला है, अख़वान मुहाजरीन को पाला है, और एक मुसलमान होने की हैसियत से अपने ऊपर फ़र्ज समझा था। लेकिन आज जो सूरत हाल है हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेला जा रहा है, और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत पे नज़र रखे हुए हैं उनके साथ मिलकर करजई साहब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये हमारा एतराज़ है। इस एतराज़ से ये एतराज़ जो है उसको एंटरटेन किया जाएगा। लेकिन बिलाल साहब ये बताइएगा, जो बात मैंने अब्बासी साहब से पूछी है, क्या इसको इस तरह रीड करना चाहिए कि एक सूबा जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है और तीन सूबे जो हैं वो एक तरफ हैं, तो ये जो एक शिज्म है या जो एक आप कह रहे हैं कि इसमें दराड़ है इस ओवरऑल सिनेरियो में एक पिक्चर में, इसको ब्रिज करना या इसको ठीक करना ये प्रेसिडेंट साहब के लिए एक चैलेंज होगा? इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए, देखिए कि ये दो पार्टियों के दरमियान कंटेस्ट था बेसिकली, तीसरी पार्टी भी थी लेकिन बहरहाल वो एक लेसर कंटेस्टेंट थी, तो ये दो इत्तेफाक की बात यह है कि जो दूसरी कंटेस्टेंट पार्टी थी उसकी मेजॉरिटी थी या उसकी ज़्यादा तादाद थी सूबा पंजाब में, तो पंजाब में भी अगर जरदारी साहब को एक वोट ना पड़ा होता जैसा कि सिंध में सूरत हाल थी तो फिर तो इसको उस तरह से इंटरप्रेट करना शायद मुमकिन होता,
कि ये एक कशीदगी की अलामत है और ये एक्सक्लूजन है, ऐसा नहीं है। जरदारी साहब को अच्छे खासे वोट पंजाब में भी मिले हैं, तो इस लिहाज से इसको ऐसे इंटरप्रेट करना दुरुस्त नहीं। बल्कि मुझे ज़्यादा इस पर कंसर्न सिंध पे होता है, जहाँ पे टोटली कोई वोट भी किसी दूसरे को नहीं मिला, 0-0 वोट मिले और वो सारे वोट उनको मिले। कंसर्न ऐसे होना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये भी बात दुरुस्त है कि वहाँ दोनों बड़ी पार्टियाँ वो जरदारी साहब को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में वो पार्टियां भी जैसे मुस्लिम लीग फंक्शनल, वो भी बिलाखर जरदारी साहब की हमायत में चली गई। तो मैं नहीं समझता कि उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, और फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा, पार्टियां होंगी, जिस पार्टी की जहां पर जितनी तादाद होगी उसी निस्बत से। लेकिन क्या इसमें ये चैलेंज नहीं है कि जो तीन सूबे जो क्लियर कट जो जिनमें से वो विनर आए हैं उनको कैरी करना पड़ेगा? अब उनको जो पहले हम करते रहे हैं, खासतौर पर बलोचिस्तान के रेफरेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ कि बलोचिस्तान को हम अक्सर इग्नोर भी करते रहे हैं और बलोचिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस भी नहीं करते रहे हैं। तो अब जबकि बलोचिस्तान में जो तीन मेजर पार्टीज थी उन्होंने डिसोसिएट किया है अपने आप को, जो वो आर्म स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद उन्हें कैरी करना पड़ेगा? ना सिर्फ ये जी, बल्कि आप देखिए इतना बड़ा जो उन्हें मैंडेट मिला है, यानी जितना रिक्वायर्ड था उससे कहीं ज़्यादा, कोशिश भी बहुत की गई है कि हर छोटे बड़े ग्रुप को साथ मिलाया जाए। तो एक तरीने कयास है ये बात कि उन सब ग्रुप्स के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी, कुछ तवक्कुआत उनकी बिल्ड हुई होंगी, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जरदारी साहब से रिटर्न उन्हें उसके जवाब में क्विड प्रो को होगा। तो ये उनके टास्क को और भी मुश्किल बनाएगा। देखिए ना, अब MQM है, उनको भी फेडरल गवर्नमेंट में हिस्सा देना है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने बहुत से लोग मौजूद होंगे, वजारतों के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह से आपने दो छोटे ग्रुप्स को भी साथ मिलाया है, PLF को साथ मिलाया है, फिर मुस्लिम लीग कायदे आजम के लोग भी जिन्होंने आपको वोट दिया है। तो इस तरह से उनकी तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं। तो और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका टास्क पहले ही बहुत मुश्किल है, ये आपके इस काम को और भी मुश्किल बनाएगा कि इन सारे ग्रुप्स को अब तवक्कुआत को किस तरह से आप मीट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा आपके लिए, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और वो कह रहे हैं कि जो बलोचिस्तान में जो कोई बातचीत हुई है उसका ज़ाहिर है कि क्विड प्रो को भी कोई ना कोई होगा, तो क्या आप समझती हैं कि अभी आइंदा चंद हफ्तों के अंदर अंदर हम बलोचिस्तान के ऊपर NWFP के ऊपर हम कोई ना कोई इनिशिएटिव जो है वो खासतौर पर बड़े सब्सटेंटिव किस्म के इनिशिएटिव देखने जा रहे हैं? देखिए किसान साहब, ये एक बड़ा पॉजिटिव और हेल्दी इनिशिएटिव आप कहें कि जमहूरियत के लिए, कि सुबह बलूचिस्तान का जो रिज़ल्ट आया, वो लोग जिन्होंने हथियार उठाए हुए थे, वो लोग जो सूबे के खिलाफ तअसुब फैला रहे थे और जो फेडरेशन के खिलाफ नफ़रत का इजहार कर रहे थे, उन लोगों ने एक बलोच के ऊपर एतमाद का इजहार कर दिया और उनमें से एक सदर चुना गया। और आसफ़ अली जरदारी साहब बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो एक बलोच हैं और सिंध के उन्हें पैटर्नाइजेशन हासिल है। ये एक इस हवाले से बड़ी इनक्रेजमेंट की बात है कि जमहूरी कुवतों पे उन्होंने इतमाद का इजहार किया, और वो जो पिछला हमारा सिनेरियो रहा बलोचिस्तान में आर्मी ऑपरेशंस की शक्ल में, वहाँ पर कबायली निज़ाम के खिलाफ या इंडिविजुअल कबीलों को जो टारगेट किया जाता रहा, उन के ज़ख्मों पे मरहम रखना अब वक्त की ज़रूरत है। और जनाब आसफ़ अली जरदारी साहब ने बड़ी फहम फरासत से बहुत ज़्यादा इंटरनली उनकी फैमिली से ले के उनके कबायली लीडर्स तक हर एक को ये चीज़ शोर करवाई है कि बलूचिस्तान के मफादात पाकिस्तान के मफादात के साथ जुड़े हुए हैं, और फेडरेशन जो है वो बलूचिस्तान के बगैर अधूरी और नामुकम्मल है। अब उस सारे सिनेरियो के अंदर जिन कमिटमेंट्स की आप बात करते हैं, अगर सूबाई खुद मुख्तारी की बात होती है, अगर वहाँ सूबाई हकूक की कोई जंग लड़ता है, अगर वहाँ अपने हकूक की आवाज़ बुलंद होती है, तो उसे हम गद्दारी से तबीर नहीं कर सकते। वो उन सूबों के राइट्स हैं और ये पाकिस्तान का आयन और पाकिस्तान का कानून उनके उन राइट्स को तहफ्फुज़ देता है। लेकिन इसके बरक्स होता रहा है, ये तो आप इसे एग्री करेंगी ना? बिल्कुल, वो ज्यादा नहीं जाते नहीं है, और मिसाइल भी ना जाने वो कहा करते थे कि कहां से आएंगे ये पता भी नहीं चला। देखिए, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हमारा फेडरेशन लेवल पे, हाँ वो नौकरियों का मसला हुआ, हाँ वो तरक्याती फंड का मसला हुआ, हाँ वो मेगा प्रोजेक्ट हुए,
या ओवरऑल बलूचिस्तान के राइट्स को एडमिट करने की जब बारी आई तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन क्रिएट हुई उन बलोची लीडर्स के अंदर, बलोची अवाम के अंदर, कि शायद फेडरेशन उनके राइट्स के साथ ज्यादती कर रहा है। तो जिसकी वजह से उनकी उस सोच को ताकत से कुचलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके रिटेलिएशन में वहाँ की अवाम को बंदूक उठा के अपनी फौज के खिलाफ, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ और अपने ही इदारों को तबाह करने के लिए वो सामने आ गए। लेकिन अब ये जो रिकंसिलिएशन की सियासत का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में, और ये कल मैंने देखा कि ओथ टेकिंग में भी उन लोगों की मौजूदगी वहाँ ऐवान सदर में ये जाहिर कर रही थी कि उनकी तवक्कुआत हैं। और ऐवान सदर की जो अपने मौजूदगी सब लोगों की देखी, उसके बाद आप ये भी कह सकती हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी इफेक्टिव रहेंगे और उसी तरह इफेक्टिव होंगे कि जिस तरह एक पार्लियामानी निज़ाम में होना चाहिए। आई एम एब्सोल्युटली श्योर जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामान के एक सुप्रीम कमांडर हैं और इस हुकूमत के अंदर उनको जहाँ पे पार्लियामेंटेरियन के इंटरेस्ट की बात होगी, जहाँ इस पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात होगी और एज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है वो बड़ा कलीदी रहेगा। और वो जो भी डिसीजंस होंगे, देखिए आसिफ अली जरदारी साहब की जो सोच, जो मंशूर, जो उनके अजायम, जो बेहतरी के मंसूबे होंगे, वो पार्टी की गाइडलाइन तो होगी लेकिन इंप्लीमेंटिंग फोर्स उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी टीम होगी। बिल्कुल ठीक है, और वो उसको अम्ब्रेला देंगे। इस पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन ने एक और ब्रेक का वक्त, और आई कैन शो यू दिस इज द लास्ट ब्रेक, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि वॉर एंड टेरर के हवाले से अब नए सदर के आने के बाद क्या पॉलिसी रहेगी और उसमें हमारा जो अमेरिका है, हमारा दोस्त जो है, उसका क्या रोल रहेगा और कितना बढ़ जाएगा या कम होगा, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। प्लीज सिट टाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इस हवाले से कि जो वॉर ऑन टेरर के ऊपर बात होनी है उसमें अब हमारा और हमारे इत्तेहादियों का क्या रोल रहेगा, क्योंकि वॉर ऑन टेरर के हवाले से हमारा जो NWFP का प्रोविंस है वो बिल्कुल जकड़ा जा चुका हुआ है। उस पर मज़ीद बात करते हैं और अब्बासी साहब से पूछूंगा। अब्बासी साहब, कल मैं देख रहा था सदर बुश साहब जो हैं, हमारे दोस्त अमरीका के सदर जो हैं, वो NDU वहाँ पे जो है एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उसमें खिताब कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़े ज़बरदस्त अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है आइंदा जो तमाम सिनेरियो है उसमें पाकिस्तान क्लीदी रोल जो है वो प्ले करेगा, और क्लीदी से मुराद ये है कि हम ज़ाहिर है लाइमलाइट में रहेंगे और उसमें हमारा जो रोल है वो उसी तरह चाहेंगे, वो जिस तरह वो चाहते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सदर जरदारी साहब के बाद अमरीका का किरदार या अमेरिका को समझाने के लिए जो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए उसमें कुछ फ़र्क आएगा या नहीं आएगा? जो हमारी पिछली जो वॉरंटियर पे पॉलिसी चलती आ रही थी वो क्या वो कंटिन्यू करेगी या उसमें कुछ चेंज देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें, हमारे पास एक मिसाल भी मौजूद है 9/11 के बाद, टर्की की मिसाल मौजूद है जहाँ पर पार्लियामेंट मौजूद थी, और अगर आज हमने इस पार्लियामेंट को सॉवरन बनाना है और ये साबित करना है कि हाँ यार डेमोक्रेसी के ज़रिए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, वाने सदर में भी, वाने वज़ीर आज़म में भी, तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमने अपनी पार्लियामेंट में लेके जाना है। और उस तरीके से नहीं लेके जाना कि 27 अफराद हमारे मर जाएं, हम एक करारदाद मजम्मत पेश कर दें और कहें जनाब ये गलत हुआ है। ऐसी करारदादों को कौन पूछता है? क्या किया जाना चाहिए? उसमें एक स्टेटमेंट आपके सुप्रीम को, आप एक एटमी कुवत है, आपकी एक स्टेटमेंट। देखें, इन 6 माह में एयर स्ट्राइक्स आपकी जो पाकिस्तान में हुई हैं वो पिछले 8 साल में इस तरीके से नहीं हुआ। जो इस 6 माह के अंदर जिस तरीके से हमारी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी हुई है वो किसी और दौर में होती रही। बहुत कुछ हुआ, गोले बरसाते रहे, उसमें भी जहाज आए, उन्होंने भी एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन तवातर के साथ एक दिन हम करारदाद मजम्मत पेश करते हैं, वो पास होती है, वेरी नेक्स्ट डे फिर तैयारा आता है, फिर आपके 20 अफराद को मार के चला जाता है। हमने एक पॉलिसी तय करनी है, और अगर परवेज मुशर्रफ और अमरीका के दरमियान कोई चीज़, कोई एग्रीमेंट मौजूद है तो वो भी इन कैमरा अपनी पार्लियामेंट को बताना है कि कोई अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ कि हमने इसी इसकी इस तसलसल को जारी और सारी रखना है, तो वो भी कौम को बताना है। इस वक्त जरूरत इस बात की है, आप इक्तसादी तौर पे जो मर्जी कहते रहे, हम बुरहान का शिकार हैं, हम यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते, हमारा जो अपना इन्वेस्टर है वो बाहर जा रहा है, इन तमाम का हल जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी पर मुस्बत है। जब तक आप वो तरतीब नहीं देंगे, जब तक आप मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर नहीं करेंगे, दो चीज़ें हो रही हैं, दो चीज़ें हो रही हैं। अभी आपने
ہندوستان کی بات بھی کی، کشمیر اور پچھلی حکومت کی. دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو کے دونوں ادوار، پھر میاں محمد نواز شریف کے دونوں ادوار، ہم نے ہندوستان کو کشمیر میں انگیج رکھا ہوا تھا، انگیج کیا ہوا تھا. کیوں؟ کہ ہم اپنے ان لوگوں کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھے جنہیں اپنے حق کے خود ارادیت چاہیے، جو پورا ایک دنیا کا یونیورسل ٹروتھ ہے. لیکن جو ہی 8 سال جو دور گزرا اس میں آپ نے ہندوستان کو وہاں پہ فری ہینڈ دیا اور اپنے آپ کو دوستی کی پینگیں بڑھائیں اور آپ نے راستے کھولے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 11 کونسلیٹ آپ کے 2500 کلومیٹر لائن پہ کھول دیے گئے. سنیں ذرا، اور امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے معصوم بچوں پہ، عورتوں پہ تو بمباری کی، لیکن جو اس ملک کے اندر عدم استحکام پھیلا رہے ہیں ان کے تو کسی کانوائے پہ آج تک بمباری نہیں ہوئی. دو چیزیں ہوئیں، وہ معصوموں کے جو لواحقین تھے، جو ان کے بچے تھے، جو ان کا بھائی تھا، وہ ان کے لیے، وہ ان لوگوں کے لیے، ان دہشت گردوں کے لیے ایندھن کا کام کر رہے ہیں اور خود کچھ حملے. لیکن جو لاسٹ اٹیک ہوئے اس میں رپورٹڈلی القاعدہ کے جو رہنما تھے بڑے مرکزی قسم کے، وہ اس میں ہلاک، وہ آپ نے اپنا کسانہ صاحب وہ آپ نے دیکھے، میں نے دیکھے رپورٹڈلی، میں نے اور بات ہے، اگر ایسی بات ہوتی، دیکھیں ہم اس وقت جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تو ہم پیٹتے تھے کہ اس واقعے کو اس طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا غیر ملکی ہیں، تو وہ غیر ملکی تو وہاں سے نہیں نکلے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں بلال صاحب آپ سے ذرا انپوٹ لینا چاہوں گا کہ جو وار آن ٹیرر پہ ہمارے ہاں مسائل چل رہے ہیں، اس میں ایک فیکٹر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یو ایس الیکشنز بھی ہیں جو کہ نومبر میں آ رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ میکین صاحب جو ہیں ان کے حالات ذرا کوئی اتنے زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہیں، تو وہ چاہتے ہی ہیں کہ ان دنوں میں ذرا پریشر رکھا جائے اور کچھ نہ کچھ ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس طرح کی اسیسمنٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل کسانہ صاحب، اصل میں اس پہ کنسرن بھی تھا، خوف بھی تھا کہ ایسا ہوگا کہ پاکستان وہاں کا ایک الیکشن ایشو بن جائے گا، اور اب بدقسمتی سے ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے. اب دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے پاکستان کے بارے میں جارحانہ اور سخت رویہ اپنا کے دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں الیکٹوریٹ کو کہ میں ان سے زیادہ سخت اپنی پوزیشن اڈاپٹ کر سکتا ہوں. مثلا اوباما صاحب کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں وہ ان سے بڑھ کے ہیں، اور ادھر سے جو بیانات آ رہے ہیں بعض وقت لگتا ہے ادھر سے بڑھ کے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے امریکہ کی پبلک اوپینین میں پاکستان ایک ایشو بن گیا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو، ہمارے لابیس کو، ہمارے ڈپلومیٹس کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا ہے. تو اس لیے اب آئندہ چند ماہ ہمیں اس قسم کے مزید بھی سخت قسم کے بیانات اور اس قسم کی پوسچرنگ واسطہ پڑ سکتا ہے. جو پریزیڈنٹ زرداری جائیں گے یو این جی اے کو خطاب کرنے کے لیے سپٹمبر کے آخر میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ایشوز اٹھائیں گے، اور صدر بش سے بھی ان کی جو ملاقات ہے متوقع ہے، تو اس میں معاملات جو ہیں وہ کچھ نہیں. میں تو امریکہ کی جو دونوں دو پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے پوسچرنگ ہو سکتی ہے، اور ان کی طرف سے یہ بیانات آ سکتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سخت گیر رویہ دنیا کے سامنے، بلکہ اپنے عوام کے سامنے دکھا سکیں کہ میں زیادہ سخت ہوں گا اور میں اس کو زیادہ سختی سے ڈیل کروں گا. تو یہ انفارچونیٹ چیز ہوگی، اس کو ہمیں اگلے 2-3 مہینے میں بریس کرنا ہوگا. ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کا ایک بڑا رول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں آخر میں مجھے بتائیے گا کہ ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، وار آن ٹیرر جو ہے وہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. آپ کی رائے جو ہے وہ پارٹی کی رائے یہ ہے کہ یہ ہماری وار بن چکی ہوئی ہے، کچھ لوگ اسے اگری نہیں کرتے ہیں اگرچہ، لیکن پھر بھی یہ بتائیے گا کہ جب زرداری صاحب سپٹمبر کے آخر میں جائیں گے جنرل اسمبلی کو خطاب کرنے کے لیے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ صدر بش کے ساتھ اگر ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ ٹیک اپ کریں گے کہ جناب ہماری جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا بھی آپ خیال رکھا کریں؟ دیکھیں آج سیکنڈ ڈے تھا پریزیڈنٹ صاحب کا اوتھ لینے کے بعد، فرسٹ ڈے تھا، تو اسٹریٹ اوے ہی از دیئر ان دی فارن آفس، اور ایک فارن پالیسی پہ ڈیٹیل بریفنگ ان کی ہو رہی تھی جب میں ادھر آئی، تو ہی واز ان دیٹ آفس. مقصد کیا تھا کہ اسٹیٹ پالیسی کیا ہے، نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں، اور پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، اور ہمیں اپنی اگلی پالیسی بناتے ہوئے فارن پالیسی کو ہم جو فارمولیٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری پبلک کے سینٹیمنٹس اس پالیسی کے ساتھ جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے. تو یہ ایک بریفنگ سیشن پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آج لیا ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے جو وزٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ جنرل اسمبلی کے اندر پاکستان کا ایک جمہوری صدر پاکستان کے 17 کروڑ عوام کے سینٹیمنٹس کی نمائندگی کرنے جا رہا ہے.
तो जब वो अवाम के मैंडेट और जमहूरियत की बहाली के बाद उस जनरल असम्बली में उस पॉलिसी का तयन होना अशद ज़रूरी है कि जो जिक्र किया अब्बासी साहब ने कि हमारे काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म की शक्ल में जो एयर स्ट्राइक्स और अटैक्स हो रहे हैं, कोई भी सॉवरन नेशन उनको टॉलरेट नहीं कर सकती। लेकिन पहली दफ़ा हुआ, ये तो उन्होंने कहा कि 8 साल में एयर स्ट्राइक्स हुई, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि वो एयर स्ट्राइक करने वालों की सप्लाई लाइन को ब्लॉक कर दिया गया और वो सप्लाई लाइन जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जाते थे उनके फूड स्टाफ्स एंड अदर यूटिलिटीज़, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इत्तेजाजन बंद किया और वहाँ पे ये जो अवाम की तवक्कुआत और वो नुकसानात जो हुए और जिस तरह की एक आग भड़की और हमारी सालमियत को दाव पे लगाया गया, उसकी एक बेहतर नुमाइंदगी हुई और आवाम के जज्बात उन तक पहुंचाए गए। लेकिन ये सब चीज़ें हमें अपने घर को पहले सिक्योर करेंगे किसाना साहब, तो हम दूसरे लोगों की आंखों में आंखें डाल सकते हैं। अल्लाह करे कि हमारा घर सिक्योर हो सके और अल्लाह करे कि जो आपकी पॉलिसीज़ हों वो वाकईतन 17 करोड़ आवाम ही की मांगों के मुताबिक हों, यही दुआ है सबकी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और तफसील के साथ आपने मुख्तलिफ उमूर के ऊपर गुफ्तगू की। वाइस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप मसरूफ़ थे और आपने टाइम निकाला। अहमद बिलाल महबूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंटेलेक्चुअल जो इनपुट है वो दी है, आपकी इंटेलेक्चुअल इनपुट का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हमारी भी दुआ यही है कि जो उमंगें हैं आवाम की वो जब वॉर ऑन टेरर के हवाले से बात हो तो जो भी बात हो वो उमंगों के ऐन मुताबिक हो, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा सदर जो है वो हमारी उमंगों के मुताबिक बात करता है, हमारा वज़ीर आज़म जो है वो भी हमारी बात करता है। क्योंकि कल जरदारी साहब ने जब ये कहा कि हम पाकिस्तानियों की बात करेंगे तो पाकिस्तानियों के दिल में एक बात इस तरह एक पैदा हुई कि उनकी उमंगें जो हैं वो अब भर आई हैं और उनकी बात होगी और वो कामयाब तरीके से बात होगी। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा ही बनता हूँ और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है, तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमा खेशरा तू दानी हिसाब कम वेशरा। मुझे इस राकसाना को फ्राइडे तक के लिए इजाज़त दीजिए, जुमतुल मुबारक रोज़ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।